बुधवार को सोलन में नापतोल विभाग द्वारा विशेष कैंप सोलन के गंज बाजार स्थित शिवदयाल धर्मशाला में आयोजित किया गया। ये कैंप दो दिनों तक चलेगा। इस शिविर का आयोजन सोलन व्यापार मंडल द्वारा किया गया है। इस शिविर में नापतोल उपकरणों को पास करवाने के लिए शहर के सभी व्यापारियों ने हिस्सा लिया। सोलन में नापतोल विभाग ने विशेष कैंप का आयोजन किया, जिसमें सोलन शहर के लगभग सभी व्यापारियों ने हिस्सा लिया। सोलन व्यापार मंडल के अध्यक्ष मुकेश गुप्ता ने कहा कि हर साल इस तरह के कैंपों का आयोजन किया जाता है। उन्होंने बताया कि नापतोल विभाग का कार्यालय शहर से थोड़ा दूर है, जिसके कारण व्यापारियों को अपने अपने नापतोल उपकरणों को वहां तक ले जाने में दिक्कत आती है। उन्होंने बताया कि इन कैंपों के माध्यम से व्यापारियों को सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के बारे में पता चलता है। आज नापतोल विभाग और सोलन व्यापार मंडल के सौजन्य से एक नापतोल के जितने भी उपकरण राजू बट्टे और जो भी हम नापतोल के लिए यूज करते हैं उसको पास करवाने के लिए सत्यता कराने के लिए यहाँ पर शिवदयाल ट्रस्ट में एक कैंप लगाया गया है, जो कि व्यापारियों की सुविधा के लिए लगाया गया है। क्योंकि जैसे नापतोल विभाग का जो ऑफिस है वो शहर से थोड़ा दूर पड़ता है, व्यापारी भाइयों को अपने कंधे वगैरह ले जाने के लिए बड़ी परेशानी होती है, तो नापतोल विभाग व्यापार मंडल के कहने के ऊपर में जो व्यापारियों की सुविधा के लिए यहाँ पर ये कैंप लगाता है, जिसमें कि अपर बाजार, लोअर बाजार, जोनाजी रोड, टैंक रोड और सर्कुलर रोड और माल रोड के सभी व्यापारी आकर अपने नापतोल के जितने उपकरण हैं उनको पास करवा लेते हैं। तो सभी व्यापारी भाइयों से हम ये गुजारिश आपके माध्यम से भी करते हैं कि इस सुविधा का आप लाभ उठाएं और सरकार द्वारा निर्धारित ये, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, सरकार ने इसको निर्धारित किया हुआ है कि अपने जो हमारे जितने भी कंडे बट्टे और उपकरण हैं इनको पास कराना बहुत जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, सोलन।